भैया क्या नौटंकी यहाँ चल रही है क्या? यानी कि रामायण मूवी को लेकर के यहाँ पर पता चल रहा है कि साई पल्लवी को सीता के रोल से हटा करके जानवी कपूर को रखा जा रहा है। अभी आपने पिछले बयान सुने होंगे जब राम मंदिर का उद्घाटन था, यहाँ पर साई पल्लवी ने सीता के रोल को लेकर के काफी एक्साइटेड नजर आई थी और इसकी काफी ज्यादा प्रशंसा भी हुई थी, जहां कर सीते के रोल से काफी साई पल्लवी बेस्ट भी लग रही थी, ठीक भी लग रही थी और इनका रोल भी काफी ज्यादा बेस्ट था। इसीलिए भाई साई पल्लवी को क्या नजरअंदाज करने का मेकर्स का ऐसा लग रहा है। अभी ये डाटा जो है क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर ये चीज को अलग करते हैं, मेकर्स ऐसा काम करते हैं, ये चीज बिल्कुल बायकॉट्स करने जैसी होगी, क्योंकि साई पल्लवी को हटाना मूवी से एक सही फंडा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रणबीर कपूर सही है, सनी देओल सही है, रॉकी स्टार सही है, तो साई पल्लवी कैसे गलत हो सकती है? हर एक कैरेक्टर में अपने रोल्स को बहुत ही एक महत्व दिया जाता है, उसी चीज को देखते हुए साई पल्लवी ने भी सीता को रोल के लेकर के काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी और खुशी भी नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ सिचुएशन बनते हुए नजर आए जिसकी वजह से न्यूज आई कि भाई साई पल्लवी को सीता के रोल से डिफॉल्ट किया जा रहा है, यानी कि हटाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो मूवी शायद थोड़ा मार खाते हुए भी नजर आ सकती है। हम ये चीज नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसी उम्मीदें हैं। साई पल्लवी सीता के रोल में काफी बेस्ट रोल्स करते हुए नजर आएंगे। बल्कि आप लोग जिन लोगों के दिल में क्वेश्चन शायद उठते होंगे कि शायद हमारे सामने इसमें कुछ गलत दिखाया जाएगा, महाभारत जैसे सीनों में हमारे सामने कुछ अलग किया गया था, जैसे कि हम सॉरी वो गलत बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को हमारे सामने आदि पुरुष मूवी लाई गई थी, आदि पुरुष जैसी कोई भी सीन हमारे सामने प्रोड्यूस नहीं की जाएगी। इसमें जो सीने होंगी, जो एक्टिंग होगी, जो डायलॉग्स होंगे, बिल्कुल जेन्युइन होंगे और बेहतर तरीके से हमारे सामने रखे जाएंगे। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं रामायण मूवी से यहाँ पर साई पल्लवी या जानवी कवि सीता के रोल में कौन सा बेस्ट एक्ट्रेस होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।